कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप लोग किसी वेबसाइट पर गए हों और आपसे पूछा गया हो कि क्या आप कुकीज़ को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अब आप किसी के घर में अगर मेहमान जाते हैं, वो आपको कुकी ऑफ़र करते हैं तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर आप एक्सेप्ट करते हैं या नहीं ये आपसे पूछा जाता है जब भी आप किसी वेब डोमेन को विजिट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कुकीज़ क्या होते हैं और PHP में कुकी किस तरह सेट किया जाता है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये वीडियो मेरी PHP के कोर्स का एक हिस्सा है, तो अगर आप लोगों ने PHP का कोर्स एक्सेस नहीं किया है तो काइंडली PHP का कोर्स एक्सेस कर लेना। अब यहाँ पर कुकी क्या है, एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन अगर मैं बताऊँ कुकी की, तो कुकी एक तरह से टैग है जो कि आप एक यूज़र पे लगा सकते हो उसको दोबारा पहचानने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लो एक यूज़र आपके पास आता है, अब मान लो कि आपके पास एक कस्टमर आता है और वो हमेशा आपसे समोसे खरीदता है, तो आप क्या करो कि उस कस्टमर को बोलो कि यार तू ना एक काम करो, जिसको समोसे चाहिए वो लाल शर्ट पहन के आओ, ये रही लाल शर्ट, और वो लोग अगली बार समोसा ले पाएंगे लाल शर्ट पहन के। अब ये एग्जांपल थोड़ा अजीब आप लोगों को लगेगा, लेकिन ये कुकीज़ के कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है। जब भी दुकानदार लाल शर्ट में किसी आदमी को आते देखेगा, वो ऑलरेडी उसके समोसे रेडी करके दे देगा, कहेगा लो भाई तुम जो है समोसे जो है वो लेने आए हो, इसलिए ये पकड़ो समोसे। उसको ये सवाल नहीं पूछना पड़ेगा भैया क्या चाहिए, और फिर उसके बाद वो सवाल जवाब करे, एक ट्रांजैक्शन वहाँ पर हो बातों का, और उसके बाद समोसे पकड़ाए जाएं, ऐसा नहीं होगा। सिमिलरली एक वेबसाइट में भी, जैसे मान लो हम ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट पे मान लो आपकी जो फेवरेट कैटेगरी है वो क्लोथिंग है, या हो सकता है आपकी फेवरेट कैटेगरी बुक हो, तो अगर आप बुक्स देखना चाहते हो तो वो वेबसाइट आपसे बार बार क्यों पूछेगी कौन सी कैटेगरी देखना चाहते हो? जब आपकी फेवरेट कैटेगरी बुक्स है तो आपको क्यों ना होम पेज पे बुक्स ही दिखा दी जाए। तो इसलिए जो वेबसाइट्स हैं वो कुकी सेट कर देती हैं आपकी प्रेफरेंस को जानने के लिए, आपके बिहेवियर के हिसाब से आपको कंटेंट दिखाने के लिए, वो आपके पास एक कुकी सेट कर देती हैं और आपको अगली बार पहचान लेती हैं, ठीक है। तो ये तो कुकी हो गया, ठीक है। लेकिन अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपनी इस PHP के जो मेरा कोर्स है उसमें आऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा 38_cookies.php। मैंने यहाँ पर PH लिख दिया है और मुझे यहाँ पर PHP करना है इसको, तो ये गलती कभी कभी हो जाती है। और आप इसको F2 दबाकर विंडोज़ में, मैक में एंटर दबाकर रिनेम कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर PHP लिखूँगा और इस PHP के अंदर मैं क्या करूँगा, अपना कोड लिखूँगा। तो मैं यहाँ पर एक एको लगा देता हूँ और लिख देता हूँ वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ कुकीज़। और मेरा Apache सर्वर चालू है, मैं आप लोगों को बता दूँ, XAMPP कंट्रोल पैनल मैंने यूज़ किया हुआ है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि अपना ये जो इंडेक्स ऑफ CWHPHP था वो मैंने अपना खोल लिया है, जहाँ पर मेरा ये जो प्रोजेक्ट है CWHPHP, जो फोल्डर मैंने बनाया था अपने HTDocs में, वो मैंने यहाँ पर खोल लिया है। और यहाँ पर देखो cookies.php खोली तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कुकी यहाँ पर आ गया है। अब कुकी क्या है, कुकी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि PHP स्क्रिप्ट क्या करती है, यूज़र के कंप्यूटर पे स्टोर कर देती है, एक छोटी सी फाइल, एक छोटी सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो कि PHP स्क्रिप्ट यूज़र के कंप्यूटर में स्टोर कर देती है, उसे कहते हैं कुकी। और वो स्टोर क्यों करती है ये इन्फॉर्मेशन वो स्टोर इसलिए करती है ताकि वो आपको अगली बार पहचान सके। मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को दिया था कुकी का, कि अगर आप एक वेबसाइट पर जाते हैं और डिफ़ॉल्ट कैटेगरी उनको चूज़ करनी है आपके बिहेवियर के हिसाब से, तो वो अगर आपने ज़्यादा बुक्स देखी हुई हैं तो वो आपको क्या करेंगे, एक डिफ़ॉल्ट कैटेगरी बुक्स का कुकी पकड़ा देंगे। तो पहली बार आपने अगर आए वेबसाइट पर, आपने बुक्स देखी, अगली बार जब आप आओगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ही आपको बुक्स दिखाएंगे, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि आप बुक्स पसंद करते हैं। तो यहाँ पर PHP में कुकी किस तरह बनाया जाता है ये देखने से पहले मैं आप लोगों को कुकीज़ और उसी के साथ साथ सेशंस, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। जो कुकी होता है वो ऐसे ही डायरेक्टली आपका स्टोर कर दिया जाता है ब्राउज़र में, लेकिन जो सेशंस होते हैं वो डेटा थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव होता है और उसको केयरफुली स्टोर किया जाता है सर्वर पे, और उस सर्वर पे उस सेशन की जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उनको एक्सेस करने के लिए एक सेशन कुकी पकड़ा दिया जाता है। और ये चीज़ हम लोग थोड़ा आगे देखेंगे, लेकिन अभी शॉर्ट में आप लोग ये समझ लो कि जो कुकीज़ होते हैं उसमें इतना सेंसिटिव डेटा स्टोर नहीं किया जाता है कंप्यूटर में,
जितना सेशंस में किया जाता है। सेशंस सिक्योर डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जबकि कुकीज़ होते हैं वो उस तरह का डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि कैटेगरी। बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरी कौन सी दिखानी है किसी यूज़र को, ये देखकर मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हैकर्स को और उनको कुछ ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन आपका पासवर्ड क्या है, आपका एक्सेस टोकन क्या है, आपका यूज़र नेम क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें अगर हैकर्स को मिल गई तो वो तबाही मचा सकते हैं, इसलिए उसके लिए सेशंस यूज़ किए जाते हैं। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर PHP में कुकी सेट करेंगे, और बेसिकली कुकी हम सेट क्यों करते हैं, कुकी हम इसलिए सेट करते हैं ताकि अगर अगली रिक्वेस्ट कोई भेजे हमारा जो यूज़र है तो हम उसको पहचान लें। तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर कुकी को सेट करने का सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स टू सेट अ कुकी, ठीक है, और मैं यहाँ पर सिंटेक्स टू सेट अ कुकी लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखूँगा सेट कुकी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो सेट कुकी सबसे पहले तो नेम लेता है, जो पहला इसका हमारा आर्ग्यूमेंट है वो नेम लेता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसके नेम के अंदर लिख दूँगा कैटेगरी, और उसके बाद वैल्यू क्या है उसकी वो लेता है। वैल्यू क्या है मैं लिख दूंगा बुक्स, ठीक है। तो बुक्स कैटेगरी मान लो मैं शो करना चाहता हूँ। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इसके बाद जो तीसरा इसका आर्ग्यूमेंट है कुकीज़ का, ये क्या लेगा कि कब एक्सपायर होना है, ठीक है। तो ये एक्सपायर वाला जो हमारा आर्ग्यूमेंट है ये हमको देना पड़ेगा सेकेंड्स में। तो अराउंड 86,000 सेकेंड्स होते हैं एक दिन में, कितने होते हैं एग्जैक्टली वो मुझे देखना पड़ेगा। 1 day 2 seconds, और वो 86,000 होते हैं, मुझे मालूम था 400, 86,400, और ये बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है, और प्राउड फील मत करना अगर आपको याद भी हो जाए तो, ठीक है। और इसके बाद आप किस डोमेन पर यूज़ करना चाहते हैं उसमें आप लोग डाल दो स्लैश, इसका मतलब ये है कि आप थ्रू आउट द वेबसाइट में कुकी को यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर स्लैश डाल दिया, इसका मतलब मैं पूरी वेबसाइट में इस कुकी को यूज़ करना चाहता हूँ। ये कुकी एक दिन में एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ सेकेंड्स एक दिन के बराबर दिए हुए हैं, तो एक दिन में ये एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको जैसे ही मैं आपको दिखाता हूँ रिलोड करूँगा तो ज़्यादा आप लोगों को कोई चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अगर आप नेटवर्क में जाएँ और उसके बाद यहाँ पर फेव आइकॉन डॉट आइको में जाएं, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, एक्सेप्ट रिक्वेस्ट हेडर्स में। ओके गैस, तो हमने यहाँ पर एक गलती कर दी थी, और गलती ये थी कि आप लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा टाइम प्लस। PHP में टाइम क्या करेगा आपको बता देगा, जितने सेकंड्स आपके हैं। अगर मैं यहाँ पर एको करूँ टाइम, और अब आप लोगों को दिखाऊँ यहाँ पर इसको रिलोड करके, तो आप लोग देखो यहाँ पर ये जो है ये नंबर ऑफ सेकेंड सिंस 1970 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टाइम PHP मैनुअल, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो ये रिटर्न करता है नंबर ऑफ सेकेंड्स पास्ट सिंस ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये क्या करता है, रिटर्न द करंट टाइम मेजर्ड इन द नंबर ऑफ सेकेंड सिंस द यूनिक्स ईपॉक, और ये वो टाइम है जहाँ से ये गिनता है नंबर ऑफ सेकेंड्स और आपको रिटर्न करता है कितने सेकेंड्स हैं। उसके बाद आपको उसमें जोड़ना होता है कब कुकी एक्सपायर होगा, कितने सेकेंड्स के बाद। तो उसमें मैंने एक दिन दे दिया है, तो ये वाला जो मैंने आप लोगों को आर्ग्यूमेंट बताया इसमें आपको टाइम प्लस नंबर ऑफ सेकेंड्स ऑफ एक्सपायरी देना पड़ता है, और टाइम ये बाई डिफॉल्ट आपको देना पड़ता है। एक बार आपने ये कर दिया तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ एको द कुकी इज सेट, और ये हटा देता हूँ, और यहाँ पर देखो द कुकी इज सेट लिख कर आ गया है। अगर मैं यहाँ पर BR लगा देता तो शायद शायद आप लोगों को ये देखने में अच्छा लगता और आपकी आत्मा तृप्त हो जाती, और हो गई होगी। अब लिख देना कमेंट में अगर हुई है तो, मुझे अच्छा लगता है जब आप इस तरह के कमेंट्स लिखते हो, तो थोड़ा फन भी होना चाहिए। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कुकीज़ द कुकी सेट। अब आपको कैसे पता कुकी सेट, ये देखो जो इसका रिस्पॉन्स हेडर है, रिस्पॉन्स हेडर क्या है, रिस्पॉन्स हेडर है सेट कुकी, यानी कि कुकी सेट हो चुका है, ये कुकी हमने सेट कर दिया है। इसको मैं रिलोड करूँगा तो देखो इसने HTTP हेडर में यहाँ पर मुझे बताया है कि ये कुकी सेट हो गया। अब कोई भी रिक्वेस्ट मैं मारूंगा, जैसे मान लो मैं इंडेक्स ऑफ CWHPHP ये वाली फाइल खोलता हूँ, इसमें मान लो वेरिएबल्स खोलता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक कुकी आएगा मेरे पास, ये देखो आया ना कुकी, कैटेगरी इज इक्वल टू बुक्स। तो ये रिक्वेस्ट हेडर्स में इसने क्या किया, कुकी भेजा, यानी कि
जब भी मैं कोई भी नई रिक्वेस्ट अब मारूंगा तो क्या होगा, वो मुझे एक कुकी भेजेगा, ठीक है, एक कुकी भी मेरे पास आएगा पीएचपी स्क्रिप्ट में। अब तो ये मेरी पीएचपी स्क्रिप्ट है जिसमें मैंने एक कुकी सेट किया, मैंने कहा कि जो ये यूज़र है उसका कुकी सेट कर दो, कैटेगरी इसकी बुक्स कर दो, ठीक है। अब आप कैटेगरी बुक्स में भी अदर पैरामीटर्स के हिसाब से करोगे, मे बी उसने अगर एक बार बुक्स को फेच कर लिया तो आप इमिडिएटली कुकी उसका सेट कर दोगे बुक्स, जो भी आप करना चाहते हो आप कर दोगे। मान लो आपने उसका कुकी सेट कर दिया कैटेगरी बुक्स, इस स्क्रिप्ट में मैंने उसका कुकी सेट कर दिया, ठीक है। अब मैं अगर यहीं पर एक नई फाइल बना लूँ, एक नई पीएचपी फाइल बनाऊँ और उसका नाम मैं रख दूँ 38_getcookie.php, तो मैं क्या करूँगा, अपनी पीएचपी स्क्रिप्ट एक लिख सकता हूँ और उस पीएचपी स्क्रिप्ट के अंदर मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पर $_cookie और उसके बाद कैटेगरी, यानी कि जो की है वो मैं यहाँ पर लिखूँगा $cat=, ये अब ये एक नया डोमेन एंड पॉइंट होगा मेरा 38 get cookie। 38 cookies को मान लो विजिट किया, amazon.com को किसी यूज़र ने विजिट किया और उस पर उसकी हरकतों के आधार पर उसकी कैटेगरी बुक्स सेट कर दी गई। अब यहाँ पर जब वो एक नया पेज खोलेगा सेम डोमेन का, amazon.com/purchase करके या फिर amazon.com/getproducts करके, तो उसकी कैटेगरी बाय डिफ़ॉल्ट बुक्स होगी। क्यों बुक्स होगी, क्योंकि उसका एक कुकी सेट है, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वो वैल्यू होगी जो कि मेरी ऑलरेडी कुकी में स्टोर्ड है। तो मैंने cookie_cookie कैटेगरी, ये सुपर ग्लोबल है जिसमें सारे कुकीज़ स्टोर्ड होते हैं, और एयर इज़ द लिस्ट ऑफ ऑल $cat, ठीक है, तो मैं लिख दूंगा हेयर इज़ द लिस्ट ऑफ ऑल बुक्स इस केस में। तो अभी अगर मैं यहाँ पर इसको रिलोड करूँ तो यहाँ पर ये वाला पेज नहीं, सॉरी ये वाला पेज था, मैं इसको रिलोड करूँ तो मेरा कुकी सेट हो गया। और अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स ऑफ CWH PHP में आऊँ और गेट कुकी खोलूँ तो ये कह रहा है हेयर इज़ द लिस्ट ऑफ ऑल बुक्स। तो मैंने जो इस पेज में कुकी सेट किया था 38 वाली में, वो मुझे यहाँ पर 38_getcookie वाली फाइल में ऑटोमेटिकली मिल गया। यानी कि मैं अगर अपने यूज़र को कुकी पकड़ा दूँ तो वो स्टोर कर लेगा मेरी कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन, और अगली बार वो मेरी वेबसाइट पर आएगा तो वो ऑटोमेटिकली मुझे वो इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो ये होता है कुकी। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यूज़र के कंप्यूटर में कुछ निशानी लगा के रख रहे हैं, एक निशानी आपने लगा दी और वो निशानी से आप उसको पहचान लेंगे अगली बार। जैसे मान लो आप किसी यूज़र को मान लो बैन करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट से, बहुत अनफॉर्चुनेट है लेकिन मान लो करना चाहते हैं आप, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बैन इज इक्वल टू ट्रू या बैन इज इक्वल टू फॉल्स करके कुकी सेट कर देंगे। अगर वो बंदा एक बार आप डेटाबेस से फेच करेंगे, अगर वो बंदा बैंड है तो, और आपको मालूम है कि वो अगले 3 दिन तक अनबैन नहीं हो सकता, तो आप उसको 3 दिन का एक कुकी पकड़ा दोगे और उसके हिसाब से आप उसको बाकी के जो पेजेस हैं वो दिखाने से इनकार कर दोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है कुकी को यूज़ कर सकते हो। आई होप कि कुकी का डिस्कशन आप लोगों को बहुत आराम से समझ में आ गया। आप लोग कुकीज़ में क्या क्या स्टोर कर सकते हो, आप लोग कुकीज़ में नॉन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ कुकीज़ PHP मैनुअल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इन्होंने इसी पेज पर एक डिस्क्लेमर सा दिया हुआ है, इन्होंने बताया है कि भाई देखो कुकी को ध्यान से इस्तेमाल करना, सेशंस यूज़ करना सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के लिए, कहीं यहीं पर बताया था इन्होंने, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ मैंने कहाँ पढ़ा था, जब मैं मैनुअल पढ़ रहा था तब मैंने वो देखा था। इट्स जनरली कंसिडर्ड से पढ़ो आप लोग, इट्स जनरली कंसिडर्ड वेरी बैड प्रैक्टिस टू स्टोर यूज़र नेम्स और पासवर्ड्स एंड कुकीज़। अब अगर आप लोग यूज़र नेम और पासवर्ड कुकीज़ में स्टोर करते हो तो बहुत ही गलत हो जाएगा वो, ठीक है, क्योंकि अगर वो चोरी गलती से भी हो गया आपका यूज़र नेम और पासवर्ड तो आपका अकाउंट हाईजैक हो जाएगा, जो कि आप नहीं चाहते हो। तो हैकर्स जो हैं वो इस तरह से आपको बहुत सारे स्पाइवेयर प्रोग्राम्स देते हैं, कहते हैं कि भाई इस सॉफ्टवेयर का क्रैक ले लो, और उसमें वो क्या करेंगे, आप लोगों को दे देंगे वो सॉफ्टवेयर लेकिन बदले में आपके कुकीज़ चुरा लेंगे। चाहे किसी भी तरह की क्रोम एक्सटेंशन हो जो कि ऑथराइज ना हो, इस तरह का अगर कोई भी प्रोग्राम आपको मिलता है तो बहुत ही रिस्क के साथ आता है वो, चाहे वो कम्युनिटी ने अप्रूव कर रखा हो कि भाई ये इंस्टॉल कर ले चलता है बहुत बढ़िया, मैं चला रहा हूँ 1 साल से मस्त है एकदम, लेकिन एक रिस्क रहती है। तो आप अपनी वेबसाइट का डिज़ाइन अगर सेफ रखेंगे, आप यूज़र नेम पासवर्ड कुकीज़ में नहीं डालेंगे तो आपके यूज़र जो है उनको रिस्क होगा ही नहीं इस चीज़ का। तो अगर आप लोग अपनी वेबसाइट्स को एक सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट से देखते हैं तो आप लोग कुकीज़ में यूज़र नेम या पासवर्ड स्टोर ना करें, कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन स्टोर ना करें, जैसे कि क्रेडिट कार्ड डिटेल्स यूज़र की, ये सारी चीज़ें सेशन वेरिएबल्स में आएंगी जो कि हम आगे आने वाले वीडियोज़ में देखने वाले हैं।
अब यहाँ पर आप लोग देखो कि अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो आप लोग मे बी ये सारे वीडियोस मिस कर रहे हैं। अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो आप लोग ये प्लेलिस्ट ज़रूर एक्सेस करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसका, सारा सोर्स कोड भी मैं अपडेट कर दूंगा। और मैं वैसे रिकमेंड ये करता हूँ कि आप लोग टाइप करें इसको, और टाइप करके खुद से आप लोग सीखें। लेकिन अगर आप लोग जो है सोर्स कोड क्विकली कॉपी पेस्ट करके कुछ टेस्टिंग करना चाहते हैं, और आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए मैं सोर्स कोड जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा का सारा दे दूंगा, तो आप लोग वो भी चेक कर लेना। अगर आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया तो काइंडली ये वीडियोज़ मेरे लिए लाइक कर दो। इससे प्लेटफॉर्म को पता चलता है कि ये जो वीडियोस हैं ये अच्छे हैं, और वो कंटेंट को आगे पुश करता है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट हियर, मैं बस आप लोगों से इसीलिए लाइक चाहता हूँ, और मुझे मालूम है कि आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कर भी दोगे। अगर आप लोगों को ये कोर्स अच्छा लग रहा है मुझे बताना ज़रूर कॉमेंट करके, और हम लोग थोड़ा इंटरेक्ट करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।